हाँ, तो मेरा नाम रोशन कुमार, आप लोग को पता हो। अब देखिए, आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेके आया। देखो बेटा, चार चार क्वेश्चन करके, पांच पांच क्वेश्चन करके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का हम सीक्वेंस बना के देंगे आपको, ताकि जानते हो कैसा भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन आएगा ना, तुम लोग लगभग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो बेटा, आज कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग। और एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम लोग का सोर्स का कमी जरूर है, बट हम पढ़ाएंगे एकदम लेवल में। ठीक है, तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग उठाते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, आरटी का क्वेश्चन। आरटी में पूछा, बहुत पहले बट पूछा, बहुत पहले पूछा। देखो क्या बोलता है, बोलता है इफ ए कॉस थीटा, क्या बोलते हैं बेटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, b sin theta is equal to बोलता है बेटा c है, तो बोलता है then prove that a sin theta plus b cos theta is equal to ना बेटा, is equal to plus minus under root a square plus b square minus c square। ये कब कब पूछा आईआईटी में, आईआईटी 63 में पूछा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आईआईटी 63 में पूछा है, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दो-दो तरीका भी बन सकता है बेटा, दो-दो तरीका से बन सकता है, बट मैं दो तरीका का यूज करूंगा नहीं, मैं एक तरीका का यूज करूंगा और सिर्फ एक इक्वेशन से हम ले आएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोला, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c गिवन है, तो जो प्रूफ करना है उसको गोली मारो, जो गिवन है उस पे हम लोग बेटा काम करते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या बेटा, गिवन है a cos थीटा माइनस न बउआ बी साइन थीटा बराबर बाबू कोची है सी है। अब देखो बेटा, हमको ए बी सी चाहिए और उसमें भी सी स्क्वायर चाहिए। एक बात तो पक्का, दोनों तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तब मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ला सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा साइन कॉस में रिलेशन भी स्क्वायर में होता, तो क्या किया, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, या स्क्वायरिंग क्या किए, बोथ साइड लिख सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, फिर देखो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर कौन सी होता हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता 2ab। अब देखना कितना इजी क्वेश्चन है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बेटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ना बेटा माइनस 2ab cos थीटा इनटू क्या बेटा sin थीटा इज इक्वल टू कौन सी बेटा c स्क्वायर। देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू क्या बेटा c स्क्वायर। अब देखो, अब समस्या क्या है हम लोगों, देखो कैसे अप्रोच कैसे लगाना हम लोगों को, ये चीज सीखना, करना क्या है, दो-दो तरीका से बना सकते हैं इसको, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो देखो हुआ, दूसरा तरीका से बना सकते हैं, बट इसको समझो बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर मेरे को इधर चाहिए, राइट हैंड साइड क्या चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए मेरे को राइट हैंड साइड में, क्योंकि सी स्क्वायर तो है लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अभी नहीं है। दूसरा चीज क्या बेटा, ए बी इधर भी चाहिए, इधर ए बी रहना भी चाहिए और ए बी इधर भी चाहिए, तो मैं देखो क्या करता हूँ, इसको ब्रेक करने का काम करता हूँ। देखो बेटा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले कि ए सर ए को रखो करिएगा और बी को रखो करिएगा और उधर भेजिएगा, ये कैसे करिएगा जी, इतना दिन से नहीं जानते हैं, दो मिनट इंतजार कीजिए, यही तो अप्रोच, यही सब चीज सीखना बेटा, ये सब चीज सीख गया तो मैथमेटिक्स से मतलब गलगा,
जो ये सब बेसिक्स क्लास चल रहा है, लेट कर लो कि आइडेंटिटी क्या बेसिक, बेसिक इसको मत भूलना बेटा, इसका एक लेवल होता है, इसको जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना मजा आएगा। अब देखो cos पर थीटा को लिख सकते क्या, y - sin पर थीटा, कैसे जी, sin पर थीटा प्लस cos पर थीटा इक्वल टू 1 बेटा, तो sin पर थीटा को जो होता है 1 - cos पर थीटा, cos पर थीटा क्या हो जाएगा 1 - sin पर थीटा। उसी तरह से सिमिलरली बेटा प्लस, सिमिलरली को जी प्लस क्या हो गया b स्क्वायर इनटू sin पर थीटा को लिख सकते क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस ना बेटा हो गया 2 ab cos थीटा इनटू क्या बेटा sin थीटा इज इक्वल टू को जी c स्क्वायर। अब देखो बोला a स्क्वायर को निकालिए तो पहले मारा था, निकाल देते हैं बेटा, देखो a स्क्वायर को ने 1 तो क्यों बोली a स्क्वायर इनटू 1 a स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, देखो बेटा a स्क्वायर रह नहीं गया, a sin के साथ ही चला गया, देखो a sin के साथ मंगा ना मेरे को मजा आ गया। अब देखो प्लस पहुंचे बेटा b स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस से बेटा कौन सी लिख सकता है 2ab cos थीटा इनटू कौन सी बेटा sin थीटा बराबर कौन सी c स्क्वायर। अब बोला ये सर ए स्क्वायर को यहां से उठाइए, अब बी स्क्वायर से को यहां से उठाइए और उठा के किधर फेंक दीजिए उधर, है ना, क्योंकि इधर कोई लाके मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस है, गोली मारो अभी उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आ जाएगा ठीक है। अब देखो क्या लिख सकते हो बेटा माइनस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कहां है, कहां है, किसको उधर लेके चले गए, फिर क्या बेटा इसको इसको लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस कौन सी बेटा, देखो माइनस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस ने बेटा 2ab cos थीटा इनटू sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा c स्क्वायर इधर से लाया a स्क्वायर तो प्लस में, इधर आया तो कुछ मांगे थी माइनस माइनस a स्क्वायर, इधर प्लस में b स्क्वायर था, इधर आया तो कुछ हो गया बेटा माइनस b स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो बेटा अब एक काम करते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते क्या, एक लाइन और पढ़ा रहे हैं, एक लाइन और माइनस ए स्क्वायर माइनस ऐसे कॉमन ले लो ठीक है, माइनस कॉमन ले लो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन नहीं है तो कुछ ले बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन नहीं है तो कुछ ले बेटा टू ए बी, देखो यहाँ कॉस साइन है तो साइन कॉस भी लिख सकते जैसे छो के दुगुने तीन चार तीन गुना दो तो cos थीटा इनटू sin थीटा हाई है इसको sin थीटा इनटू cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो sin थीटा इनटू cos थीटा cos थीटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देखो बेटा a इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर को पहले भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, इधर से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लेगा तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस प्लस से कहां बचेगा होगा माइनस हो गया, देखो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो इसको ऐसे नहीं तो लिख सकते थे हम लोग जी, ऐसे नहीं लिख सकते थे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस क्या बेटा सी स्क्वायर ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। अब यहां से देखो माइनस कॉमन लेते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा सी स्क्वायर, अब देखो माइनस से माइनस बचोगे जी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस बचोगे बेटा कैंसिल हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या बेटा ए साइन थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस कौन सी बेटा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको नहीं लिख सकते क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को लिख सकते ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या जी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे रूट लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, या कहो कि स्क्वायर इधर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो ऐसा होता नहीं, एक्चुअली क्या होता है टेकिंग रूट बोथ साइड, तो इधर भी रूट ले लो बेटा इधर भी क्या कर लो रूट ले लो, तो इधर क्या हो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया कौन जी ए साइन थीटा प्लस कौन जी
बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा प्लस माइनस, इधर परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बेटा सी स्क्वायर, यही ना प्रूफ करना था जी। हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, जो दिया हुआ था, जो गिवन था उस पे काम किए, जो गिवन दिया हुआ था उस पे ही काम किया हम लोग। तो क्या दिया हुआ था, a cos थीटा - b sin थीटा इक्वल टू c, तो बता दो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कोई रहा उस तरफ, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर किए, इसलिए a स्क्वायर और b स्क्वायर c स्क्वायर आने के लिए, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा - 2ab cos थीटा - sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया c स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ये 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस में बेटा b स्क्वायर इनटू क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू क्या बेटा c स्क्वायर। अब देखो मैं चाहता था कि a स्क्वायर b स्क्वायर उधर जाए और a भी रहे भी, तो रखने का एक ही तरीका है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो a स्क्वायर रह जाएगा और sin के साथ क्या जो कि इसमें था जो cos के साथ उसको sin के साथ लाना। देखो बेटा a cos से था और लाना क्या a sin के साथ, तो भाई साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे ही कॉस को साइन में कन्वर्ट किए और साइन को कॉस में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया ए स्क्वायर और क्या बेटा प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू बी कॉस थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टू क्या बेटा सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उठा के इधर फेंक दिए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस क्या जी सी स्क्वायर। अब देखो बेटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉमन लिए दोनों तरफ से माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया माइनस कॉमन लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा इनटू साइन थीटा या साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट ले लिए बेटा तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर इसका ए स्क्वायर इसको रूट के लिए गुण किया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना जी, कुछ नहीं करना है दोनों तरफ स्क्वायर करना। अब करिएगा इसी क्वेश्चन को हमने दूसरा मेथड से बता देते हैं, देखो दूसरा मेथड से बता दे एक मेथड और है ना। अच्छा क्वेश्चन देखिए आप प्रिंट करना चाहो कोई बच्चा तो कर सकते हो अच्छा बताए, क्योंकि बुक बुक में ऐसा नहीं मिलता, बुक में आप करेंगे जैसा रहता बनाना है ना। चलो देखो इसको मिटा देते हैं अभी ग्रीन कलर का भाई ना सर एक मेथड तो इसको बता जल्दी कर दो। देखो कि इतना इजी क्वेश्चन तो बेटा संभारत दुनिया में होना चाहिए था। चलो देखते हैं तब तक एक क्वेश्चन और उठाते हैं, तो इसी को करवाना था सॉरी। देखिए तो आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा, मेरा बात भी कभी कभी सुनना चाहिए है ना जी। अब क्या करेंगे भर के रखना ठीक है। चलो अब देखो बेटा
फिर से दिया हुआ ये है प्रूफ, मेरे को ये करना, तो जो प्रूफ करना है जिसके इक्वल उसको कुछ मान लेते हैं ना जी। एक मेथड और है, 9 टेंथ में ऐसा रहता है, देखना 10 टेंथ में रहता है ऐसा बना हो। देखो क्या लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं बेटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू नहीं मान लूंगा, इसको कुछ मान लेते बेटा इज इक्वल टू एक्स से ऐसा मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो बेटा, इसको कुछ मान लो फाइव, इसको कुछ मान लो फाइव। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या करेंगे बेटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, क्या करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करो, क्यों, क्योंकि साइन कॉस में स्क्वायर में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको करते हैं हम लोग, ए कॉस थीटा माइनस द बेटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, अब सॉरी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना ना, देखो दोनों का एलएचएस को पहले स्क्वायर करो ऐड करो, इसका एलएचएस क्या है a sin theta प्लस ना बेटा b cos theta का क्या जी होल स्क्वायर, इसका एलएचएस को भी ऐड करो c स्क्वायर प्लस क्या बेटा x स्क्वायर, तो क्या देखो तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर किए और सेकंड को भी स्क्वायर करके ऐड किया, इसको मान लिए थे क्या x, तो क्या है स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट। अब देखो ऐसे भी बना सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बेटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस कर 2ab cos थीटा इनटू क्या होता sin थीटा, आइए देखो प्लस है तो प्लस दे दो, फिर इसको भी तोड़ो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बेटा 2ab cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू क्या बेटा sin थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो 2ab cos थीटा sin थीटा 2ab cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा a स्क्वायर वाला को खोजो, a स्क्वायर कहां है यहां पे, तो क्या बेटा एक कॉट वाला को एक साथ रखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वहां क्या होगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो बेटा बी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा bs a s पर cos स्क्वायर थीटा a s पर sin स्क्वायर थीटा एक साथ रख दिए, bs पर sin स्क्वायर थीटा bs पर cos स्क्वायर थीटा को क्या कर दिए एक साथ रख दिए। अब देखो बेटा ये दोनों में क्या कॉमन है, a s पर कॉमन है तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या बेटा bs पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ना बउवा cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा यहां नहीं लिखे थे जी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया था सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ ज्यादा था 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ ज्यादा 1, तो लिख सकते ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस बी स्क्वायर इनटू 1 इज इक्वल टू क्या बेटा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, मतलब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा एक्स स्क्वायर, हो गया जी। फिर से टेकिंग रूट बोथ साइड, फिर से क्या करते हैं बेटा टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लीजिएगा तो क्या हो गया प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा x, x किसको माने x किसको माने a sin थीटा प्लस b cos थीटा को, तब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट कर दो क्या लिख सकते हैं x के जगह पे a sin थीटा प्लस
बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही करना था ना प्रूफ जी। देखो कैसे किए थे, सिंपल था। ए स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी दे रहे थे बेटा, तब प्रूफ करेगा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस इतना। तब पता नहीं इधर वैल्यू पहुंची होगा जो मालूम नहीं था मेरे को, इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा मेरे को मालूम नहीं था। तो नहीं था तो इसको क्या मान लिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होगा मान लिए। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू होगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। इसको इक्वेशन फाइव दोनों का स्क्वायरिंग ऐड किया, बोला स्क्वायरिंग ऐड क्या करेंगे मतलब, क्योंकि साइन कॉस में रिलेशन क्या होता है स्क्वायरिंग। अब जब तक ऐड नहीं कीजिएगा तो दोनों में रिलेशन आएगा कैसे, तो दोनों में संबंध बनाने के लिए दोनों क्या किए ऐड किए। तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इसका c स्क्वायर हो गया, इसका क्या होगा x स्क्वायर, स्क्वायर का एडिंग नहीं होता जी। फिर क्या a माइनस b का होल स्क्वायर पर जोड़े तो क्या हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा फ्रेंड 2ab cos थीटा sin थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2ab sin थीटा cos थीटा sin थीटा। अब बराबर क्या होगा c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखो माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब a स्क्वायर वाला को एक साथ रख दिया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर कॉमन ले तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या करता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर = c स्क्वायर + x स्क्वायर। अब बोलता है a b c एक तरफ करना, क्या हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर अब - c स्क्वायर = x स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर होते ही के बहुत ही के इसको भी आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, अगर जो ना समझ में आएगा तो बोलिएगा फिर से अगला क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे। क्या कहते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा पढ़ा रहे हैं खराब है ना जी, क्योंकि बोलते हैं निंदा के लिए राखी तब ये कल्याण हो सकता, निंदा करने वाला भी होना चाहिए क्योंकि वही तो तुम्हारे बारे में सही चीज बताता है। ज्यादा लंबा नहीं ना हो रहा, लेट हो रहा क्या, एक क्वेश्चन और होगा क्या, एक और एक क्वेश्चन और होगा। अब क्या कर एक ही क्वेश्चन पढ़ो लेकिन भाई बढ़िया से पढ़ो, अब एक क्वेश्चन हुआ जो गूगल हो गए दो मेथड बता दो क्या अच्छा। आइडेंटिटी में थोड़ा टाइम लगता है भाई तू लोग को ना, यहाँ क्लास मेरे ऑफलाइन में तो भाई हम लोग को एक एक क्वेश्चन में एक क्लास कर जाता था, लेकिन इसको जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना मस्त हो जाएगा मैथ्स, तो गणित के लिए बहुत जरूरी है। तो बोलता देन प्रूव दैट then prove that क्या बोलता sin के पावर n अल्फा then prove that sin के पावर n अल्फा प्लस नर्टा cos के पावर n अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा वो 2 होगा। ओ हो तब पूछा WBJE 1983 हाँ बढ़ता भी था क्वेश्चन और अच्छा भी बोल रहे थे। अब जो बेटा जो इवेंट दिया वो उस पर काम करते हैं, जो लाना उसको गोली मार होना चाहिए आइडेंटिटी में ही तो करना। देखो साइन अल्फा अब प्लस ने बेटा कोची है कोसेक अल्फा बराबर कोची टू गिवन दिया हुआ। अब मेरा सेंस कहता साइन कॉस में बदल दीजिए सर जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते क्या जी साइन अल्फा बेटा कॉसेक अल्फा को जी लिख सकते होगा 1 बटा साइन अल्फा हां अब बराबर को जी बेटा 2। अब कहता है आगे कह रहा है क्वेश्चन में रोका रहा है कि साइन अल्फा को जी कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए
तो क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहला क्या है वन इज इक्वल टू क्या बेटा टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू टू साइन अल्फा। अब इसको इधर लेके चलो है ना, तो क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर अल्फा अब माइनस टू साइन अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू क्या बेटा जीरो। इससे हम साइन अल्फा को वैल्यू निकालेंगे। अबे क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है फैक्टराइजेशन से करते हैं लोग, फैक्टराइज करते हैं फैक्टराइज करते हैं, तो वन का फैक्टर लेना है एक, वन का लाना क्या टू, तो वन का फैक्टर कुछ नहीं तो वन वन है वन 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 क्या होगा टू, तो कर दो देखो लिख सकते हैं। अभी समझ चीज तो नहीं कि सीखनी पड़ेगा जी, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कर लेते हैं बेटा साइन अल्फा अब माइनस कर दीजिए साइन अल्फा प्लस वन इक्वल टू कुछ बेटा जी ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ ही कॉमन है जी साइन अल्फा ना रे, साइन अल्फा कॉमन ले लो तो साइन अल्फा कॉमन लीजिएगा बुआ तो बचेगा कुछ बेटा साइन अल्फा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा साइन अल्फा माइनस वन। अब यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या हो गया बेटा साइन अल्फा माइनस वन। अब ये दोनों में क्या कॉमन है बेटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस वन कॉमन लीजिएगा तो कुछ बच जाएगा साइन अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू क्या बेटा जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब देखो कुछ आ गया है साइन अल्फा माइनस वन बराबर जीरो है ना, साइन अल्फा माइनस वन बराबर कौन सी जी जीरो, तो साइन अल्फा को वैल्यू को चल गया वन है ना, साइन अल्फा को वैल्यू को चल गया वन। अच्छा साइन अल्फा को वैल्यू तो वन हो गया बेटा ओहो, अब कॉसेक अल्फा को वैल्यू भी तो निकालना बोल रहा है जी, कॉसेक अल्फा को वैल्यू तो कॉसेक अल्फा को वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा वन बटा वन उठा भी करो तो वन है ना, तो साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा का वैल्यू क्या हो गया निकाल लिया। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर टू आ गया तो समझो कुछ है प्रूफ हो गई। अब तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना वन वन है जी, तब कुछ ही करते हैं इसको इक्वेशन नंबर फाइव मान लेते हैं जी, और इसको फाइव किया इसका वैल्यू पुट करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में। आप देखो बेटा लेट जैसे चलते हैं देखो इस समझ में आ गया होगा साइन अल्फा कॉसेक अल्फा इक्वल टू टू है बेटा, साइन अल्फा कॉसेक वन बाई साइन अल्फा इक्वल टू टू लिख दिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन बाई साइन अल्फा इक्वल टू टू है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन टू साइन अल्फा, इसको फैक्टराइज कर दिए वन का फैक्टराइजेशन वन इंटू वन टू वन इंटू वन 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 टू, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस टू को लिख सकते क्या प्लस वन इक्वल टू जीरो, साइन अल्फा दोनों को कॉमन ले लिया बेटा तो साइन अल्फा माइनस वन ये दोनों माइनस वन कॉमन है तो साइन अल्फा माइनस वन, साइन अल्फा माइनस वन फिर ये दोनों को कॉमन दिए तो साइन अल्फा माइनस वन साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया वन, तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू क्या हो गया वन। अब शुरू करेगा आप देखो साइन के पावर एन अल्फा तो साइन अल्फा का वैल्यू वन तो वन के पावर एन, अब प्लस क्या बेटा वन के पावर एन, अब बताओ वन के पावर एन को चलो वन और वन के पावर एन को चलो वन 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 को चलो टू नो गे प्रूफ जी, कोई दिक्कत है क्या जब आराम से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बगल में कर देते हैं यहाँ बगल में कर देते हैं यहाँ देख क्या होता साइन के पावर ना बेटा एन अल्फा प्लस ना बाबा कॉसेक के पावर एन अल्फा इक्वल टू टू प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं बेटा, साइन अल्फा का वैल्यू वन आया तो वन के पावर एन प्लस क्या बेटा कॉसेक अल्फा का वैल्यू वन के पावर पूछो कर क्या होगा वन है ना, अब प्लस को जी बेटा वन के पावर को सो करो क्या जी वन और वन वन को चले टू टू को रहने दो। तो देखिए अब हम लोग आज समाप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन पड़ गया था धीरे धीरे से जाएगा है ना, स्पीड भी करेंगे लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा समझा के बता रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चा लोग का शिकायत रहता है कि सर समझ नहीं आ रहा, तो एक काम कीजिए बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को शेयर कीजिएगा, और आप जो भी बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं ऐसा समझ लो बेटा कि आपका है आप ही का वीडियो है, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा।